जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 प्याज लिए थे, घी इसमें ज़्यादा डलता है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा घी लेता है, तो मैंने ये 3 प्याज काटे हैं तो ये मैंने डाल दिए। अब जो है ना मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी जब तक ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ये ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पर ये देखिए सॉफ्ट हो चुके, तो अब मैं इसमें सारी चीज़ें डालती हूँ। और जो है ना यहाँ पे मैंने ना एक बड़ी सी तकरीबन 1 पाव मैंने ना इसमें ली है दही, मैं इसको फेंट रही हूँ जब तक ये बनेंगे। फिर इसमें ना मैं चिकन डाल दूँगी, जब चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा, गल जाएगा, उसके बाद जो है ना मैं ये डालूँगी। इसको है ना अपने ऐसे ऐसे करके ऐसे हाथ से करें तो ऐसे ना इसका पानी वगैरह जो जितना भी होगा ना वो निकल जाएगा, फिर इसको ऐसे डालेंगे। ठीक है, फिर आपको दिखाऊंगी, चिकन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी हम मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि नहीं करते पसंद, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। ये देखिए मैंने ऐसे छोटी छोटी सी बना के ना उनका पानी निकाल लिया, यहाँ पे दही भी फेंट के और यहाँ पे चिकन भी हो चुका है, तो अब मैं पहले ये डालती हूँ फिर उसके ऊपर दही। से देखिए जो है ना छोटी है और सामान्य जो है आप इसके अंदर जितनी भी दही डालें ना तो ये जो है ना उतनी मजे की बनती है। ये मैंने 1 पाव से भी तकरीबन ज़्यादा ज़्यादा दही मैंने वो डाले। अब इनको मिक्स करते हैं और ना हल्की आंच पे इनको छोड़ दूँगी, ये जब तक अपना पानी खुश्क जो है थोड़ा सा रह गया होगा वो नहीं, इसे 2 दफ़ा इसीलिए उबालते हैं कि बाज़ औक़ात ना ये कड़वा होता है, वैसे कड़वा है होता है ये, इसका कड़वापन ज़्यादा ख़त्म करने के लिए इसको है ना 2 पानी में उबालना पड़ता है। मैंने 1 रात उबाल दिया था, 1 को सुबह इसमें चेंज कर दिया था, तो फिर जो है ना अब इसका पानी वगैरह निकाल के अब सारा कुछ हो गया। लास्ट में बस मैं इसमें डालूंगी अपना फेवरेट अचार गोश्त मसाला, उसके अलावा कुछ नहीं डालना। हरा धनिया क्योंकि अली सौदे लेने गया था उसे मिला नहीं है, बाकी जो है ना ये चीज़ें जो है ना आपको ये हमारी रेसिपी हम लोग कैसे बनाते हैं। और जो लोग चिकन नहीं खाते वो इसमें ना फिर जब लास्ट में ना 2 मिनट पहले ना इसमें प्याज डाल देते हैं, कच्चा पक्का प्याज वो फिर इसमें डालो ना, वो भी मैंने थोड़ा सा बचा के रख दिया। फिर मैं वो प्याज वाला बनाऊँगी तो उसका भी आपको दिखाऊँगी वो कैसे बनता है। ज़्यादा अभी तक काम नहीं हुआ किचन का, ये मेरा किचन है यहाँ से, अभी ये भी बाकी बचा पड़ा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा ये रख देती हूँ, ये ना प्याज वाला बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने बच्चों वगैरह रख दी, इस टोकरी में फीडर वगैरह बोतलें जो भी प्लास्टिक की है वो रख दिए, यहाँ पे मेरा सालन चल रहा है, यहाँ पे ये वाले मसाले वगैरह सारे रख दिए, और इधर तो बर्तन ही आने थे और तो कुछ नहीं आना था। यहाँ पे ग्राइंडर वगैरह और ये सारी चीज़ें, इस साइड पे भी मैंने ऐसे ना सामान फ़िलहाल तो ना रख दिया क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा है, काम नहीं हो रहा, तो मैंने कहा जैसे ही हो जाएगा ना पूरा किचन अभी, क्योंकि ये किचन की बननी बाकी है। ये देखिए ये सारा जो ना ये टूटा हुआ है और इस बेचारे का सामान भी, बाकी चूल्हे का सामान भी गुम हो चुका है, तो मैंने कहा जैसे ही होता है साथ साथ करते रहेंगे, एकदम से नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा साथ साथ किचन का भी सारा बनता जाएगा। ये यहाँ पे देखिए मेरा सालन जो है ना अभी तक रेडी नहीं हुआ क्योंकि इसमें काफ़ी पानी होता है और पानी को बहुत देर तक खुश्क करना पड़ता है, घी इसका भी निकलना स्टार्ट हुआ है तो हल्की आंच पे रखा हुआ है, तो अब जो है ना इसको देखते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। मेरा सालन जो है ना फाइनल हो चुका है, चार गोश्त मसाला जो है ना मैं थोड़ा सा बस डालती हूँ वरना छोड़ देती हूँ, वो अभी आज नहीं डालते, ऐसे थोड़ा सा नहीं नीचे से लग गया यहाँ से, तो जो है ना मैं फादिया के साथ दुआ के साथ बेची थी तो ये लग गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। कह रहे हैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रखो या कुछ, एक बात पे मैं ड्रेसिंग टेबल यूज़ नहीं करती, बाकी जो आईना वगैरह वो इंशाल्लाह करेंगे। ये जो दीवार है ना यहाँ पे, ये छोटी वो साइड टेबल भी रखें तो उससे भी नहीं छुप रही, काफ़ी ख़राब है, ये वॉल पेपर भी लगाए तो ये भी नहीं सही हो रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आयरन के ये रख दिया टेबल, क्योंकि आयरन सिर्फ मैं ही कपड़े करती हूँ, सुनहरा करती है तो वो कभी कभी मुझे तो रोज़ ही करने पड़ते हैं, तो जो है ना इसीलिए ये देखिए आप लोगों का भाई उठ के गया और मेरी चादर और बेडशीट ये सारा कुछ, तो ये इस साइड पे इसीलिए रखिए कि ये कमरा है ना अभी काफ़ी स्पेस हो गई है, मेरा कमरा काफ़ी खुला खुला हो गया, तो ये इस वजह से यहाँ पर रखिए कि इसकी ना पीछे से दीवार ख़राब है। आज मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे उस वीडियो पर, तो मैंने किसी को जवाब दिया किसी को नहीं दे पाई, तो मैंने कहा मैं इसमें बता देती हूँ कि ये इसकी मेन वजह यही है कि पीछे की दीवार ख़राब है, और यहाँ पे ये जो है ना इसके अंदर मैंने अपने बिस्तरे वगैरह रख दिए जो हम चादर ऊपर डालते हैं वो रख दिए, इसमें जो है ना दिलबर ने अपनी चीज़ें वगैरह ये चॉकलेट और ये अपने ऐनक वगैरह मोबाइल और वॉलेट वो इसमें रखता है, नीचे वाला ये अभी खाली पड़ा है इसमें उसके शूज़ रख दूँगी, यहाँ पे जो है ना मैं अपनी चादरें वगैरह रख दूँगी, तो ये जो है ना इसका मेन सीन यही है, तो उस दिन ना दुआ को यहाँ से करंट लगा था।
कमेंट किया कि दुआ रानी को ज़्यादा दिखाया करें, ये दुआ रानी के नखरे निक तो बुरे, इसका रोने निक तो मोरा। जी मम्मा, पापा कहें पापा। आई आप उठ के रूम की सफाई करें। मैंने इनको मारा, इनके बाल करें। चाचू के कपड़े आ रहे हैं, ये हमारी देखिए। एक एक जो है ना कट। बाबा भाई ये क्या हो रहा है, मजे का चॉकलेट? और यहाँ पे वाह, ये तो दो, ये मतलब मेरा आधा तुम्हारा आधा, मुझे वाइट पसंद है। चॉकलेट तो मुझे सादो, ये ब्लॉग ये देखो चैनल है। और यहाँ पे ये दो, क्या खा रहे हो? चूरा, ये तो ग्लूकोस है। यहाँ पे ये खेल रहे हो, यहाँ पे प्यारी लग रही है। ये न रात का टाइम है न दिन का टाइम है, इसमें अभी तक बैटरी नहीं डली तो ये रुकी हुई है। ये ना बोलेगा कि रात के 3 बजे ये लोग पार्टी कर रहे हैं। पता नहीं कैसे हो गई आज छुट्टी, खुशी हो रही है छुट्टी की। चलो अब घर। पता नहीं कह रही है कि फादिया की याद छुट्टी है। चलो अब चलो घर चलो, पता नहीं ऐसा क्यों। आज इसकी खुशी चेक करें। क्या हुआ, निकाल लो निकाल लो निकाल लो। क्या कह रही हो, हाँ क्या निकाल रही हो? ये जहाँ भी छुपा के रखे ना ये वहाँ पहुँच जाती है। कुछ भी नहीं निकालना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं निकालना। दुआ पैसे निकाल लो निकाल। चलो अब उसका कोई काम नहीं है, पैसे आ गए मुझे दो, पैसे दो मुझे दो, मुझे दो मुझे दो, दुआ मुझे दो। ऐसे कौन, ऐसे कौन करता है, कौन करता है बाबा जी, कौन करता है ये सारे पैसे, कौन निकालता है मुझे ये तो बताओ। ऐसे मुझे दे दो दे दो दे दो मुझे दे दो। छीलो छीलो चलो बोलो पापा के छीलो 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 पापा के। अच्छा दो भाई मेरी, अच्छा ये लो भाई ये, अच्छा 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 ये अच्छा ये है ये है, ये लो ये लो ये लो, अच्छा ये लो ये लो ये लो। ये मेरे इधर से भी नजर पड़ती नहीं करो, खुद ही एक दूसरे को देख के रोए जा रहे। क्या हुआ, हमजा की मम्मा गई है हमजा को छोड़ने, तो ये दोनों मेरे पास है। अम्मी आ जाओ भैया, आ जाओ मम्मा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।